हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय गार्डन। चलिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको अपने छोटे से गार्डन में एक नया पौधा दिखाती हूँ। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे और आपसे शेयर करूँगी। सुबह का टाइम है, इसी टाइम अपनी वीडियो बना रही हूँ। मेरे सारे प्लांट खुश हैं, बर्ड्स भी चहचहा रही हैं। फाइनली हमें अपना पौधा मिल ही गया। यह मालाबार स्पिनिच का पौधा है। यह एक हेल्दी वेजिटेबल्स है। इसमें काफ़ी मात्रा में कैल्शियम, प्रोटीन, फाइबर, आयरन होता है। इसके लीव्स काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। इस पौधे को आप आसानी से अपने गार्डन में ग्रो कर सकते हो। इजी टू ग्रो है फ्रेंड्स। इसकी पत्तियों को सलाद में भी यूज़ कर सकते हो और स्टेम भी यूज़ कर सकते हो। इसकी पत्तियों को और स्टेम को, दोनों को ही खाया जाता है। इसकी आप सब्जी भी बना सकते हो। इसका टेस्ट सेम पालक की तरह ही होता है। यह बेल की तरह ही बढ़ता है। इसे आप किसी रस्सी के सहारे, किसी दीवार के सहारे चढ़ा सकते हो। ये एक ऐसी वेजिटेबल है जो समर में ग्रो होती है। आप जितना हार्वेस्ट करोगे उतनी ही इसमें नई ब्रांचेस निकलेंगी। आप इसकी कटिंग भी लगा सकते हो। कटिंग भी आसानी से ग्रो हो जाती है। देखिए फ्रेंड्स, किस तरह से ये लिपटी हुई है। इसके फ्लावर्स काफी खूबसूरत होते हैं। फ्लावर्स खिलने के बाद इसमें सीड्स बन जाते हैं। तब आप इनके सीड्स निकाल कर नेक्स्ट सीजन के लिए रख सकते हो। इसके पत्ते कितने चमकदार हैं। देखिए फ्रेंड्स, किस तरह से इसको जहाँ भी जगह मिलती है यह अपनी जगह बना ही लेती है। अच्छे से ग्रो भी होती है। फर्टिलाइजर में आप इसको काउडंग या चिकन मैनूर भी दे सकते हो। यह एक हेल्दी लीफ वेजिटेबल्स होती है। आपको वीडियो पसंद आई है तो शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।